हेलो दोस्तों दोस्तों, एस्ट्रो गाइड में आपका वेलकम। आज हम बात करेंगे खाना नंबर 3 के गुरु के बारे में। दोस्तों, खाना नंबर 3 में गुरु जब होते हैं तो ऐसे इंसान के लिए ज्योतिष, गरजता हुआ शेर, त्रिलोकी का स्वामी तक बोला गया है दोस्तों। तो कुल मिला के गुरु के फल यहाँ पे आपको अच्छे ही मिलते हैं। अब अगर आप बात करें खाना नंबर 3 की, तो खाना नंबर 3 आपकी मेहनत है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी छोटे भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके सिबलिंग्स हैं। तो गुरु के यहाँ पे बैठने के कारण ऐसा इंसान जो होगा बड़ा ज्ञानवान होगा। बातों करने का तरीका जो उसका होगा बड़ा लहजा अच्छा होगा, छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करने वाला होगा, अच्छी नीयत का स्वामी होगा और भाग्य उसका साथ हमेशा देता होगा दोस्तों। तो इज्जत मान प्रतिष्ठा ऐसे इंसान को मिलती है, अपने एरिया में उसका अच्छा नाम होता है, सरपंच तक बोला गया है दोस्तों। तो गुरु 3 हमेशा आपको अच्छे फल ही देगा। उसके पीछे बुरे फल की जो कंडीशन होगी वो दोस्तों ये होगी कि अगर कुंडली में बुध खराब हो, बुध कहीं ना कहीं कुंडली में खाना नंबर 12 में हो या 9 में हो, तो वैसा इंसान बड़ा खुशामद पसंद इंसान बन जाता है दोस्तों। दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना ऐसे इंसान को अच्छा लगता है, जिसमें वो बिजनेस या बुद्धि की उसमें वो क्षमता नहीं रह पाती दोस्तों। मंगल अगर कुंडली में खाना नंबर 4 में हो, मंगल बद हो, तब भी ऐसा इंसान दूसरों के घरों में झगड़ा करवाना या बुरी नीयत रखना या कहीं ना कहीं से लड़ाकू की किस्म का इंसान ऐसा इंसान बन जाता है, उसका भाग्य जो है वो मंदा होना शुरू हो जाता है दोस्तों। और कुंडली में एक कंडीशन होती है दोस्तों, गुरु खाना नंबर 3 के समय अगर शनि खाना नंबर 4 में हो, तो ऐसा इंसान दूसरों को लूट कर अमीर बनता है दोस्तों। कहीं ना कहीं से मित्रघाती नास्तिक इंसान होता है, लड़ाई झगड़ों में आगे होता है, प्रॉपर्टियों में लिटिगेशंस में ऐसा इंसान झगड़ालू किस्म का हो जाता है दोस्तों, कायर इंसान होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको हमेशा ये चीज़ देखनी होती है कि कुंडली में बुध कहाँ पे है और मंगल कहाँ पे है, कुंडली में मंगल बद ना हो, तो गुरु हमेशा आपको अच्छे फल तभी देगा अगर कुंडली में मंगल और बुध कुंडली में अच्छे हों। गुरु 3 के समय में दोस्तों पाए के लिए आप यहाँ पे बुध को अच्छा रखें। बुध जो है वो आपकी छोटी बहनें हैं, छोटे कजन्स हैं, आपके कन्याएं हैं, उनकी सेवा करते रहें। माँ दुर्गा को आप चांदी का छतर भी अर्पण कर सकते हैं साल में एक बार। तो इन उपायों को करने के बाद आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। गुरु के कुछ खास फल जो हैं वो मैंने आपको अभी बताए भी हैं, और नेगेटिव जो चीज़ें आपको फेस करने को मिलेंगी उनमें कहीं ना कहीं बुध और मंगल के इन्वॉल्वमेंट होगी, या कुंडली में ये दोनों ग्रह खराब होंगे। तो उन चीज़ों का उपाय करें। खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में भी जो गुरु के पक्के घर हैं उनमें बैठे हुए ग्रहों को भी आप देखें। अगर वहाँ पे मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, तो गुरु के फल आपको बड़े अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर वहाँ पे राहु, बुध, शुक्र बैठे हुए हों, तो गुरु का पितरिन भी लगेगा और गुरु 3 में के फल भी आपको खराब ही मिलेंगे। तो दोस्तों, गुरु 3 के मैंने अभी आपको फल बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल के ऊपर दोस्तों हमारी और भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।